तोड़ने 16 लाख करोड़ किसानों को क्या बोलते हैं, तुम्हारी आमदनी डबल करके बोल के क्या हुआ, हर रोज 15 किसान आत्महत्या करके मचा। किसान एक ही बात पूछ रही, एक साल से एजिटेशन चल रहा, लाल किले तक गए वो लोग, रामलीला मैदान गए। तो मैं कई किसानों से, मैं दिल्ली में था तो जाके मिला, पूछा क्या मैं तुम्हारा टुकड़ा हूं। एक ही बात है, हमको एमएसपी, हम पैदा करते फसल आती, आने के बाद मार्केट को लेके तो हमको जो हम जितना पैसे लगाए, एक एकड़ पे 1 लाख रुपए लगाए तो कम से कम 1,20,000 तो आना चाहिए हमारी मेहनत के, मगर हमको है ना 80,000 भी नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट का काम है हमारा जितना भी उत्पादन है पैदावार को लेके हमको जो है ना देना एमएसपी। तो आज अच्छा अच्छा बोल के आपकी आमदनी को दूरा करके बोल के आज देखे तो क्या लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में खाली 14% लोगों को एमएसपी मिल रहा। वर्किंग क्लास के साथ देखे तो क्या एंटी लेबर कोड ला लिया, अच्छे जो प्रो लेबर क्लास है अबॉलिश करके लाने की वजह से पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक करे, 2 दिन का स्ट्राइक करे, 1 दिन का स्ट्राइक करे, जिसमें 8 करोड़ 10 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये हुकूमत किसानों के खिलाफ है, ये हुकूमत वर्किंग क्लास के खिलाफ है, ये हुकूमत नौजवानों के खिलाफ है, ये हुकूमत महिलाओं के खिलाफ है। तो फिर उसके बावजूद हमारा मोदी साहब ने तो चमचे जीते भी, गोदी मीडिया के चमचे 400 पार बोले, तो सब लोग जो बोल रहे हैं, जो मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद, चूंकि ऑल इंडिया भीतर तो भाई एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोल सकते हो, तो एक रामचंद्र गुहा बोल के प्रोफेसर मशहूर हिस्टोरियन है, एक ही सेंटेंस में बोल दिया, साउथ में 7 नॉर्थ में हाफ, साउथ में एक ही ज्यादा, साउथ में साफ है नॉर्थ में हाफ, गवर्नमेंट और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि केरला में कभी इनका खाता ओपन हुआ, जहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है नहीं, एक भी उनका सीट नहीं, अभी भी उनको एक सीट मिलने वाला नहीं, जहां पर बड़े लिखे लोग हैं सच और झूठ को समझते, अच्छा क्या है बुरा क्या है समझते, चाहे लोगों क्या है पैसे दे दिए या इसमें वो पठान टीवी में देख लिए तो वो भटक जाके वोट डाल के आते हो। तो आज है ना साउथ में से ना तमिलनाडु में एक सीट मिलने वाली है, ना केरला से एक सीट मिलने वाली है, अब इससे पहले कर्नाटक में 28 में से 25 मिली थी, लोग बोल रहे 5 सीट मिली तो बहुत ज्यादा है। तो आज जो है ना इलेक्शन क्लियर कट, हम रोजाना जो है ना पूरे पूरे अखबार पढ़ के मैं देखते हूँ क्या है क्या नहीं है।